Hello friends, how are you? Welcome to you in my YouTube channel Krishna Tutorial. Friends, आज आप हम आपको बनाना सिखाएंगे फैब्रिक पेंटिंग कैसे बनाते हैं. देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये नीली कलर की एक सिंपल कुर्ती ली है. इस कुर्ती को मैंने पहले से स्टिच करा लिया है. अब फ्रेंड मैं इस पे डिज़ाइन बना रही हूँ. देखिए ये बिल्कुल छोटे छोटे साइज के मैंने मिरर लिए हुए हैं. इन मिरर्स को मैंने फैब्रिक ग्लू होता है, एक ग्लिटर होता है फैब्रिक ग्लिटर, उसकी हेल्प से चिपका लिया है. फ्रेंड्स ये जो फैब्रिक ग्लिटर है, फैब्रिक ग्लिटर जो होता है ये कपड़े से छूट और ये शीशे जो हैं इससे बहुत सुंदर तरीके से अटैच हो जाते हैं. और फ्रेंड ऊपर से मैं ये गोल्डन कलर का बना बनाया सर्किल है, इसे मैं इस पर अटैच कर रही हूँ. इन्हें मैं फैब्रिक गम की मदद से अटैच कर रही हूँ. ये जो फैब्रिक गम है यानी ग्लू है, ये फैब्रिक ग्लू भी कपड़े के लिए ही होता है. इसे एक बार लगाने से ये कपड़े से नहीं छूटता है. इसी प्रकार अब मैं ये सारा गला जो बनाना शुरू बनाकर दिखाऊंगी आपको. इस गले को मैं वी शेप से, वी शेप के डिज़ाइन का बनाऊंगी. इसे हम वन बाय वन करके इसी तरह से पूरे गले को तैयार कर देंगे. ये गला बनकर बहुत सुंदर लगेगा. आप इसे अपनी कुर्ती पे, अपने टॉप पे ज़रूर ट्राई करिएगा. इस नेकलाइन डिज़ाइन को आप अपने ब्लाउज पर भी बना सकते हैं. ये ब्लाउज पर भी बनकर बहुत सुंदर लगेगा. ये ऐसा नहीं लगता है कि हमने घर पे तैयार किया है. ये बना बनाया हमें ऐसे दिखेगा जैसे हम इसे मार्केट से लेकर आए हों, जैसे ये मशीन से बना हुआ हो. और इसमें फिनिशिंग भी बहुत अच्छे से आती है. और ये कलर जो हैं यानी ये गम से चिपकाए हुए जो होते हैं, जैसे फैब्रिक कलर जो होते हैं वो कपड़े पे परमानेंट होते हैं, वो नहीं छूटते हैं, उसी प्रकार ये जो है फैब्रिक ग्लिटर है ये भी नहीं छूटता है कपड़े से. और इसमें बहुत अच्छी शाइनिंग भी आती है. और ये फैब्रिक गम जो है, फैब्रिक ग्लू, ये भी नहीं छूटता है. अब फ्रेंड देखिए हमारा ये नेकलाइन डिज़ाइन बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है. ये इस कुर्ती पे बहुत सुंदर लग रहा है. आप इसे अपनी कुर्ती पे बनाएंगे तो ये इतना ही सुंदर लगेगा. आप अपनी इच्छा अनुसार इसे बढ़ा भी सकते हैं. फ्रेंड्स अब हम इसकी आउटलाइनिंग कर लेंगे. हमने आउटलाइनिंग के लिए फैब्रिक वाइट कलर लिया है. देखिए हम बड़ी फिनिशिंग देते हुए इसकी आउटलाइनिंग कर लेंगे. फ्रेंड्स मैं आपको बता देनी चाहती हूँ, वैसे तो आपको पता होगा कि फैब्रिक पेंटिंग सिर्फ कॉटन के कपड़े पे ही होती है. कॉटन के कपड़े पे ये परमानेंट होती है. अगर हम इसे किसी और कपड़े पे करते हैं, जैसे टेरिकॉट का कपड़ा हो या सिल्क का, कॉटन से अलग ये और किसी कपड़े पे नहीं होती है. अगर करते हैं तो ये निकल जाती है. फ्रेंड्स अब हम अपने इस एलिफेंट में कलर करना शुरू करते हैं. इसके लिए मैंने ग्लिटर वाला फैब्रिक कलर लिया है. ये फैब्रिक कलर शाइनिंग वाला है. और फ्रेंड इससे मैं सारे एलिफेंट पे जो है, सही जो हमारा हाथी है, इस पे कलर कर लेती हूँ. इसमें कलर करती बार मैंने कोई शेड का यूज़ नहीं किया है, प्लेन कलर मैंने इस पे कर लिया है. अब फ्रेंड इसके बाद इसे एलिफेंट पर ये गोल्डन कलर करने के बाद अब मैं जो इसके ऊपर मैंने कपड़ा जो एलिफेंट के ऊपर जो चादर उड़ाई हुई है इसे डेकोरेट कर लेती हूँ. इसे डेकोरेट करने के लिए मैंने इसका ग्रीन कलर से बाउंड्री की है. आपकी इच्छा अनुसार आप इसे किसी और तरीके से भी और कलर से भी चेंज करके डेकोरेट कर सकते हो. लेकिन फ्रेंड इसे डेकोरेट करने में मैंने जिन कलर्स का यूज़ किया है ये कलर भी बहुत सुंदर लग रहे हैं. आप चाहे तो इसे बिल्कुल हमारे जैसा भी बना सकते हैं, या आप इसके डिज़ाइन को चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं. फ्रेंड्स इस एलिफेंट को बनाने के बाद ये एक हमारा जो सूट का डिज़ाइन है यानी हमारी कुर्ती का जो डिज़ाइन है ये बिल्कुल सीनरी की तरह दिखेगा, क्योंकि मैंने इसे एक पेंटिंग की तरह बनाया है. मैंने इसका नीचे का थोड़ा सा बैकग्राउंड भी मुझे इसमें बनाना है, वो बैकग्राउंड भी मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी. तो फिर आप देखिएगा बैकग्राउंड बनने के बाद ये हाथी बनकर एकदम नेचुरल दिखेगा और ये बिल्कुल हमारा जो सूट है ट्रेडिशनल लुक लेकर आएगा. यानी एक
ऐसा लुक आएगा जैसा हमारी संस्कृति में रहता है। यानी यह एक राजस्थानी डिज़ाइन है, यह एक हरियाणवी डिज़ाइन भी हो सकता है, क्योंकि इस टाइप के डिज़ाइन हमें हरियाणवी संस्कृति और राजस्थानी में भी मिलते हैं। वैसे राजस्थानी जो संस्कृति होती है उसमें हमें कैमिल यानी ऊँट के डिज़ाइन देखिए फ्रेंड्स, अब ये बनने के बाद कितना सुंदर लग रहा है। अब हम अपने इस डिज़ाइन को आपको पूरा करके दिखाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी पेंटिंग और ये कुर्ती का डिज़ाइन अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स, आप हमसे भी अच्छी पेंटिंग बना सकते हो। कोई भी अपनी बनाई हुई पेंटिंग आप हमसे शेयर कीजिए। हम अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे। आप उस नंबर पर अपने हाथ की बनाई हुई पेंटिंग्स हमसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड, हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फ्रेंड्स, हमने इसे बनाते बनाते आपको पेंटिंग्स के बारे में बहुत सारी नॉलेज दी है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है हमने बहुत सारी बातें छोड़ दी हों और आप हमसे अच्छी पेंटिंग बनाना जानते हो और इसके बारे में और अच्छी बातें भी आपको आती हों। तो फ्रेंड, अपने विचार पेंटिंग के बारे में आप हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आपने अब तक जितनी भी पेंटिंग्स हमारी देखी हैं, यानी जितनी भी वीडियोस हमारी देखी हैं, कौन सी वीडियो आपको ज़्यादा पसंद है वो भी आप हमसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, जब तक हमारी ये पेंटिंग बनकर तैयार होती है, हम आपको बता देते हैं कि इस पेंटिंग को आप अपने किसी भी कपड़े पे बना सकते हैं, यानी सूट पर भी, कुर्ती पर भी, टॉप पर भी, और आप इसे अपनी साड़ी पर भी बॉर्डर के रूप में बना सकते हैं। इस डिज़ाइन को आप कहीं से भी ले सकते हैं। ये एक कॉमन डिज़ाइन है, एलिफेंट का डिज़ाइन, बनाना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। इसे आप देख कर भी बना सकते हैं बिल्कुल धीरे धीरे, लेकिन आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये बनने के बाद बहुत सुंदर लगता है। इसे मैंने पहले भी कई बार ट्राई किया हुआ है, और ये जो है मैं कुर्ती जो बना रही हूँ, इस कुर्ती